भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग सिर्फ जिन्ना वाली ही याद रहती है। हो भी सही, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के विचारधारा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया, सरकारें भी बनाई और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित होने दिया। हम जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो IUML है। इस्माइल जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी थे। ये वही इस्माइल हैं जिन्होंने अपने बेटे मियां खान को भारतीय सेना में शामिल होने का आदेश दिया था जब 62 का युद्ध चीन के सामने लड़ा जा रहा था। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके मंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था भारत का प्रतिनिधित्व करने। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके शिक्षा मंत्री बशीर केरला में संस्कृत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का उन्होंने गठन किया, वहां बनाई उन्होंने। और एक और बात मैं मोदी जी को याद दिला दूं और उनके कोई अमित मालवीय हैं उनको भी याद दिला दूं कि इस मुस्लिम लीग के साथ नागपुर म्यूनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन किया था। तो क्या वो तब सेक्युलर नहीं थी? तो इनका ज्ञान अगर इतना कम है भारतीय राजनीति के विषय में तो एक बात और ये समझ लें, हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक दल जो सेक्युलर नहीं है वो नियमानुसार रजिस्टर ही नहीं हो सकता। तो हटा दें उसको, अगर इन लगता है वो सेक्युलर नहीं है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें। में